टाइप से देखने को मिलती है। अब ये जो ड्रिल मशीन है गाइज, इसके अंदर आपको कुछ मेन जो है आपको कंपोनेंट्स दिख रहे होंगे। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट जो है गाइज हमारे इस ड्रिल मशीन का, वो है ये वाली मोटर। अब ये जो मोटर है गाइज, इसका नेम क्या है? तो गाइज इसको हम कहते हैं अपनी यूनिवर्सल मोटर। अब यूनिवर्सल मोटर कौन सी मोटर्स होती हैं? तो इस यूनिवर्सल मोटर वो मोटर होती है जो कि आपकी एसी पर भी वर्क करती है और साथ में डीसी पर भी वर्क करती है। हाँ गाइज, जो भी आपकी जो ड्रिल मशीन होती है, जो भी आपकी पोर्टेबल ड्रिल मशीन्स आती हैं, ये दोनों ही सप्लाई पर वर्क कर लेती हैं। मीन्स अगर मैं इसको यहाँ से इनपुट जो है इसका, अगर मैं इसको एसी सप्लाई दूंगा तब भी ये वर्क करेगी, और जब मैं इसको डीसी सप्लाई दूंगा तब भी ये वर्क करेगी। और क्योंकि गाइज जो हमारी मोटर यूज़ की जा रही है इसमें, वो है हमारी यूनिवर्सल मोटर। अब मेन कंपोनेंट ही गाइज हमारी इस पूरी ड्रिल मशीन का, ये है हमारा मोटर। अब जो मोटर है गाइज, ये कनेक्ट रहती है हमारे इस आगे वाले पार्ट के साथ। मीन्स ये जो हम इसको रोटेट करा रहे हैं, जो हमारा ये रोटर है, जो भी ये रोटेट कर रहा है, तो गाइज जैसे ही हमारा रोटर जो है वो रोटेट करता है, तो गाइज क्या होता है कि जो आगे वाला पार्ट है ये ऑटोमेटिकली इसके साथ रोटेशन में आ जाता है। मीन्स ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में इंटरलिंक है, तो शायद हम इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो वो कुछ इस तरह से गाइज मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो पार्ट है गाइज, ये इसके साथ यहाँ पर इसके जो शाफ्ट है, मैं आपको ये रोटेट करके दिखाता हूँ। तो ये जो रोटर है इसके साथ ये यहाँ से कनेक्ट रहती है, जिसकी वजह से जो है हमारी ड्रिलिंग पॉसिबल हो पाती है। तो जब हम मोटर को सप्लाई देते हैं, तो मेन कंपोनेंट बचा हमारा ये। जब भी हम इसको सप्लाई देते हैं, तो यहाँ पर आपको एक स्विच देखने को मिलेगा। जैसे ही हम इसको यहाँ से पुश करेंगे, मीन्स जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे, तो क्या होगा, जो मोटर के पास से वो सप्लाई जाएगी। और मोटर क्या है गाइस, मोटर में क्या प्रिंसिपल होता है अगर मैं आपको ये भी बता दूँ, तो जब भी हम मोटर को सप्लाई प्रोवाइड कराते हैं, तो गाइस उसका एक पार्ट होता है स्टेटर और एक होता है हमारा रोटर। फॉर एग्जाम्पल गाइस, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो ये जो है गाइस हमारी एक मोटर है यहाँ पर जो आपकी लगी हुई है, ये हमारे कार्बन ब्रशेज हैं यहाँ पर गाइज। ये आपको कार्बन ब्रशेज देखने को मिलेंगे। मीन्स यहाँ पर जो है हम इसको सप्लाई प्रोवाइड कराते हैं कार्बन ब्रशेज के थ्रू, जो है हमारी रोटर पर सप्लाई जाती है, जो अंदर वाला पार्ट है, जो रोटेट करने वाला पार्ट है। अब गाइज ये है हमारी एक हमारी जो है यूनिवर्सल मोटर। मोटर के दो मेन पार्ट होते हैं गाइज, एक होता है स्टेटर और एक होता है रोटर। तो ये होता है गाइज हमारा एक रोटर जो कि रोटेट करता है, जिस पर जो है हमारा ये वाला पार्ट कॉन्टैक्ट बनाता है, जिसकी वजह से जब ये जो है रोटेट करेगा, तो ये ऑटोमेटिकली जो आगे वाला पार्ट है वो रोटेट में आ जाता है। तो गाइज ये जो रोटर है ये अंदर जाता है इस स्टेटर के। अब जो स्टेटर है गाइज, ये इसके पास भी जो है हम सप्लाई देते हैं, और सेम गाइज हम इस रोटर के पास भी सप्लाई देते हैं। रोटर जो है गाइज, यहाँ पर जो है आपको कई सारी जो है आपको ये देखने को मिलेंगी, जहाँ पर हमने वाइंडिंग करी है, या डिफरेंट टाइप्स की जो वाइंडिंग है यहाँ पर करी गई है। और ये जो सारी वाइंडिंग है, इनके जो कॉन्टैक्ट बनाए गए हैं यहाँ पर, ये कम्यूटेटर पर जो है इसके कॉन्टैक्ट बनाए गए हैं, आपको अगर दिख रहा हो तो गाइज ये होता है कम्यूटेटर। जब भी हम इन ब्रशेज को गाइज इस कम्यूटेटर पर लगाते हैं और सप्लाई प्रोवाइड कराते हैं, तो क्या होता है कि रोटर के अंदर भी जो है करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। अब सेम गाइज स्टेटर के अंदर भी हम करंट फ्लो कराते हैं। जैसे ही स्टेटर के अंदर करंट फ्लो होता है, तो गाइज यहाँ पर जो है एक परमानेंट मैग्नेट जो है वो क्रिएट होती है। मीन जो है फ्लक्स, अगर आप डीसी सप्लाई दे रहे हैं तो कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, अगर आप एसी सप्लाई दे रहे हैं तो वेरिएबल जो है आपका फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। उसके अंदर गाइज हम इस रोटर को रोटेट कर पुट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वेन एवर द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग कंडक्टर गाइज ये हुआ, जब भी हमने इसको करंट दिया तो इन कंडक्टर्स के अंदर करंट आ गया। जब भी इस करंट कैरिंग कंडक्टर को इस कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाएगा, तो क्या होगा, ये रोटेशन में आ जाएगी। और जैसे ही रोटेट करेगा, तो गाइस ये भी जो है आपका पार्ट रोटेट करने लगेगा। तो कुछ इस तरह से जो है आपकी ड्रिलिंग की वर्किंग होती है, कुछ इस तरह से जो है आपकी ड्रिल वर्क करती है। तो गाइस ये थे कुछ इसके मेन कंपोनेंट। अब जो गाइस आपके कार्बन ब्रशेस होते हैं, इनको हम कम्यूटेटर पर गाइज जो है डायरेक्ट सप्लाई प्रोवाइड नहीं कराते, हम इधर जो है कार्बन के ब्रशेस को यूज़ करते हैं। ये हैं गाइज हमारे कार्बन के ब्रशेस। अब ये क्या होता है गाइज, ये टाइम के साथ जो है अगर ये कॉन्टैक्ट बनाते हैं जब इस रोटर पर ऐसे करके, तो रोटर रोटेट करता है, तो क्या होते हैं ये यहाँ से जो है ये थोड़ा घिसना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए गाइज हम क्या करते हैं कि हमारा कॉन्टैक्ट जो है वो स्मूथ बना रहे, इनके अंदर गाइज स्प्रिंग लगा देते हैं। अब जो है गाइज स्प्रिंग यहाँ पर कहीं निकल गई है, तो इसके अंदर होती है गाइज एक स्प्रिंग, उसके ऊपर लगे हुए होते हैं आपके जो कार्बन के ब्रशेज हैं कुछ इस तरह से, तो ऊपर को इनको फोर्स मिलता रहता है। तो मीन्स ये जो कांटेक्ट बनता है हमारा इस सरफेस पर, तो वो कांस्टेंट कांटेक्ट बनता है, जिसकी वजह से स्पार्किंग है मोटर में वो भी कम होती है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम गाइस क्या होता है, जो कार्बन ब्रशेस की जो लाइफ है वो रिड्यूस होती जाती है। मीन्स ये जो है ये घिसते जाते हैं, तो इनका जो साइज़ है वो कम होता जाता है। तो क्या होता है कि हम एंड जो आप 1 साल बाद या 2 साल बाद अगर हम मोटर को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो जल्दी भी जो है हमें कार्बन ब्रशेस को रिप्लेस करना पड़ जाता है। तो गाइस क्या होता है कि जिसकी वजह से जो आपकी स्पार्किंग, कभी आप यहाँ पर देखो किसी मोटर पर आप स्पार्किंग देखो, मीन्स उसके कॉन्टैक्ट जो बन
बन रहा है उसका उसका कम्यूटेटर और जो ब्रशेस का कांटेक्ट है वो सही से नहीं बन पा रहा है, इस वजह से जो है हमारी जो है वो स्पार्किंग होती है। सो गाइस ये थी एक हमारी मोटर। अब इसकी जो कंप्लीट डिटेल में जो वीडियो है मैं नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को कवर करूंगा कि जो हमारी रिलक्टेंस मोटर होती है या हमारी यूनिवर्सल मोटर होती है वो कैसे वर्क करती है, कैसे हमारी यूनिवर्सल मोटर एसी पर भी वर्क करती है और डीसी पर भी वर्क करती है, जबकि जो हमारी एसी सप्लाई है वो ऑल्टरनेटिंग इन नेचर होती है। तो हमारी मोटर को एक बार इस डायरेक्शन में रोटेट करना चाहिए, एक बार इस डायरेक्शन में रोटेट करना चाहिए। अगर हम एसी सप्लाई दे रहे हैं तो कुछ इस तरह से हमारी मोटर को रोटेट करना चाहिए, बट एसी सप्लाई पर भी एक ही डायरेक्शन में रोटेट कर रही है और डीसी सप्लाई पर भी एक ही डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। तो उसको गाइज हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप गाइज आपको जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। अगर गाइज वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर आप ऐसी वीडियो और भी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और गाइज आप अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो अगर ये वीडियो आपने फर्स्ट टाइम देखी है तो गाइज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम डेली आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपके नॉलेज से रिलेटेड जो भी वीडियोज हैं डेली इस चैनल पर अपलोड करते हैं। थैंक यू गाइज।